नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मटेरियल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों भारत स्किल्स की साइट पे गिवन है। दोस्तों इस चैप्टर को फ्रेंड मटेरियल साइंस कहिए, धातु कहिए या धातुएं कहिए, दोस्तों किसी भी नाम से इस चैप्टर को हम बोल सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जो कि इसमें 29th दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है विच वन इज नॉन मेटल। ठीक है दोस्तों, तो आपको सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इसमें नॉन मेटल कौन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको वो बताना है, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है दोस्तों। इससे जुड़ी हुई और जानकारी देखते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट दोस्तों एक नॉन मेटल है, फिर भी दोस्तों ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है दोस्तों। ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जबकि नॉन मेटल क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। और दोस्तों ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि आयरन का मेजर कंटेंट दोस्तों कौन सा है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सारे ऑप्शन देखेंगे आपका, और सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें डी, जो फेरस मेटल है वो क्या है आपका, ये आपका मेजर कंटेंट है जिसके अंदर हमें आयरन ज्यादा से ज्यादा मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल व्हिच डू नॉट कंटेन आयरन। मतलब आपको वो बताना है दोस्तों जिसमें आयरन नहीं है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलोह धातु, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, नॉन फेरस, फेरस समझ लीजिए दोस्तों एक तरह से आयरन कंटेंट। ठीक है दोस्तों, फेरस मेटल इसके अंदर आयरन होता है, इसके अंदर आयरन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो पता ही लग रहा है दोस्तों आपको, ये शौचालय के तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपका लोहा हो सकता है दोस्तों। तो नॉन फेरस के अंदर क्या होगा आपका, लोहा नहीं होगा, सही आंसर आपका ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो आपको इसमें बतानी है दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है। दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपकी डक्टिलिटी, हमने दोस्तों ये वीडियो जब हमने बनाई थी तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को दोस्तों। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो उन वीडियो को देख लीजिए, आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी दोस्तों 33-34 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो इन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए दोस्तों। आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वो रटने वाली बात होगी दोस्तों, आप पहले क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको वो थ्योरी की वीडियो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या दोस्तों आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी है दोस्तों, डक्टिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों विच इज ए ब्रिटल मेटल। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों ब्रिटल मेटल कौन सा है दोस्तों। कास्ट आयरन आपका क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है दोस्तों, ब्रिटल मटेरियल वो होता है, वो मटेरियल जिसपे चोट लगने से वो बिखर जाते हैं, फैलते नहीं है दोस्तों, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल। जैसे दोस्तों कांच होता है, सेरेमिक्स होते हैं, आपके घर के जो कप प्लेट है, वॉश बेसिन है, ये सारे सेरेमिक्स होते हैं दोस्तों, ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं। जैसे दोस्तों आपने चौक देखा होगा, चौक भी आपका कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि ये चोट लगने पे, आघात लगने पर दोस्तों बिखर जाता है दोस्तों, टुकड़ों में बट जाता है, इसको हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल दोस्तों। तो आपका कास्ट आयरन जो है वो आपका ब्रिटल मटेरियल का एक एग्जाम्पल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर ए रेजिस्टेंस। यानी कि कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है पैदा करती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों आपका सी, दैट इज हार्डनेस। दोस्तों ये क्या है, जब आप प्रॉपर्टी इसको देखेंगे, आप देखते हैं कि डिफॉर्म हो रहा है इलास्टिक मटेरियल, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है, वो क्या है आपकी, हार्डनेस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स। मतलब जब आप पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है दोस्तों, तो वो कहलाती है फ्रेंड्स टेनासिटी या फिर सुघट्यता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ये होगा आपका सुघट्यता।
ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए दोस्तों, रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए फ्रेंड, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइड फोर्स इज रिलीज। मतलब दोस्तों आपने फोर्स लगाया और फोर्स को हटा लिया, फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इलास्टिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इन प्रॉपर्टी को फिर देख लीजिए दोस्तों। इलास्टिसिटी क्या होती है कि आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और फोर्स लग को हटा दिया, फिर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए दोस्तों, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। जैसे दोस्तों रबड़ है, आप उसको खींचते हैं फिर फोर्स को हटा लेते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाती है दोस्तों। मैलेबिलिटी क्या होती है दोस्तों, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे किसी वस्तु पे फोर्स लगाया और वो सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं मैलेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लास्टिसिटी क्या होती है, अगर फोर्स को आपने लगाया और फोर्स को हटा लिया फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए, उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों, सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल पजेस्ड बाय इट मेल्ट्स व्हेन हीट इज अप्लाइड। तो दोस्तों जब आप उसको हीट कर रहे हैं और वो मेल्ट हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम कहेंगे दोस्तों फ्यूजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, याद रहे जब आप किसी मेटल को मेल्ट कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, फ्यूजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों, विच अलॉय यूज इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट, मीन्स बल्ब में आपकी कौन सा यूज होती है। दोस्तों आपका बल्ब का जो मटेरियल होता है उसमें क्या लगा होता है, टंगस्टन लगा होता है। दोस्तों आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखा होगा कि जो आपके बल्ब होते हैं उसमें क्या लगा रहता है, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट मेटल्स कंटेंड इन ब्रास, मतलब कि पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं। तो दोस्तों पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं वो आपको याद रखना है, इसका आंसर है दोस्तों सी, कॉपर और जिंक। दोस्तों इसको आपको कैसे याद रखना है, देखिए दोस्तों शॉर्टकट में आप बिकॉज को कैसे लिखते हैं दोस्तों, शॉर्टकट में आप लिखते हैं बी सी जेड। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट में हम बिकॉज को कैसे लिखते हैं, बी सी जेड। तो बी से दोस्तों ब्रास, और दोस्तों सी से आपका कॉपर, और जेड से आपका जिंक। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि जो ब्रास है उसके कंटेंट्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी मिश्र धातु होती है, कॉपर और जिंक। ठीक है फ्रेंड्स, बी स्ट्रिक से आपको याद रखना, बी सी जेड मतलब बिकॉज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है देखिए फ्रेंड्स, विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्ड, यानी कि कौन सा कास्ट आयरन है जो वेल्ड नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों वो कौन सा है, व्हाइट कास्ट आयरन है जिसको आप वेल्ड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्ड, तो व्हाइट कास्ट आयरन को दोस्तों वेल्ड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, ट्रिक क्या है इसके लिए दोस्तों, देखिए ये कह रहा है व्हाइट कास्ट आयरन है, व्हाइट कास्ट आयरन पर अगर आप वेल्ड कर दोगे तो कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तो दोस्तों व्हाइट आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, उसको ब्लैक धब्बा नहीं लगना चाहिए, निशान नहीं लगना चाहिए। अगर आप सफेद वस्त्र पहन रहे हैं उन पर कोई भी धब्बा लगना नहीं चाहिए, मतलब वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो व्हाइट कास्ट आयरन पे वेल्डिंग नहीं हो सकती दोस्तों। इस तरह से थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करेंगे किसी ट्रिक के माध्यम से, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 है, विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज्ड। तो दोस्तों आपका कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि कास्ट आयरन कैसा, ब्रिटल मटेरियल है, और आपको पता है फोर्ज करने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है और उसको हैमर की हेल्प से बीट किया जाता है, पीटा जाता है। तो दोस्तों कास्ट आयरन को अगर आप पीटोगे, बीट करोगे, तो वो क्या होगा, फैल जाएगा। इसका मतलब है इसको आप फोर्ज नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देखिए दोस्तों आपको आंसर तो इनके कहीं भी मिल जाएंगे, आपको समझना है, रटना नहीं है दोस्तों, समझने की कोशिश करनी है, ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, और एक्स्ट्रा जो एफर्ट हम डालेंगे उससे हमें ये क्वेश्चन याद रहेंगे। विच मेटल इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स, मतलब ये कह रहा है दोस्तों कि मशीनरी पार्ट्स के लिए आप जनरली क्या यूज करते हैं कास्टिंग के लिए।
विच मेटल इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट। तो दोस्तों हम ग्रे कास्ट आयरन को हम इसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, किसके अंदर, कास्टिंग के अंदर। दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीसीआई। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीसीआई। तो कहीं आपको जीसीआई की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो आपको बताना जीसीआई क्या है, ग्रे कास्ट आयरन। और दोस्तों इसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है दोस्तों कि जब आप इससे पैटर्न बनाते हैं, इससे कास्टिंग करते हैं, ढलाई करते हैं, तो दोस्तों ये जब जमता है तो ये फैलता है। दोस्तों बहुत सारे मेटल्स रहते हैं जो जमने के टाइम पे क्या होते हैं, सिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं, लेकिन ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, आपका एक्सटेंड होता है, एक्सपेंड होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कास्टिंग में ऐसा कौन सा मेटेरियल है जिसको आप यूज करते हैं और वो सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे आपका एक्सपेंड होता है, तो आपका आंसर होगा ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच फर्नेस इज यूज टू पिग आयरन। दोस्तों ये मैंने जब इसकी थ्योरी कराई थी तो बहुत अच्छे से समझाया था कि पिग आयरन आपको कौन सी भट्टी में मिलता है दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस में मिलता है। दोस्तों किसमें मिलता है? ब्लास्ट फर्नेस में। अब दोस्तों इसके लिए देखिए ट्रिक क्या है दोस्तों, हम क्वेश्चन को ट्रिक की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों पिग आयरन आपका कैसा होता है, मोटा होता है, उसका पेट बहुत भारी होता है। दोस्तों दोस्तों अगर वो पिग जो है, जो शुगर है, मान लीजिए शुगर से आपको कंपैरिजन करनी है, अगर वो दोस्तों और ज्यादा मोटा होता जाएगा, और ज्यादा हैवी होता जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो आपको इस ट्रिक से याद रखना है कि पिग आयरन आपको कहाँ से मिलता है, ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। देखिए दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्नेस ऑब्टेंड कास्ट आयरन, मतलब आपको ये बताना है कि कास्ट आयरन आपको किस फर्नेस से मिलना है। दोस्तों देखिए कास्ट आयरन में फ्रेंड्स आपको सी दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो सी आपको कौन सी फर्नेस में दिख रहा है, कोपोला फर्नेस में। तो इस ट्रिक से आपको याद रखना है कि दोनों में सी सी रहेगा, कास्ट आयरन आपको मिलेगा कोपोला फर्नेस से। दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील। दोस्तों लो कार्बन स्टील का अदर नेम जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइल्ड स्टील। तो आपको ये याद रखना है कि माइल्ड स्टील को ही हम दोस्तों लो कार्बन स्टील के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन। मीडियम कार्बन में कार्बन की परसेंटेज क्या है? तो दोस्तों मीडियम कार्बन में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.25 से लेकर 0.50 तक। ठीक है दोस्तों, आपको ये देखना है इसकी कार्बन की परसेंटेज कितनी है। दोस्तों ये होती है आपको, ठीक देखिए दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, अभी हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सही क्वेश्चन नंबर 46 का। दोस्तों आप ऑप्शन को ठीक से पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 0.25 से 0.5। ठीक है दोस्तों, ये तीन तरह के आयरन होते हैं जिसमें लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील। दोस्तों इसमें लो कार्बन स्टील के अंदर हमें कार्बन की परसेंटेज बतानी है दोस्तों। तो ये वैल्यू फ्रेंड्स आपको सारी याद रखनी है, लो कार्बन स्टील के अंदर कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 0.15 से 0.25 होती है। ठीक है दोस्तों, आपको तीनों याद रखनी है, लो कार्बन के अंदर 0.15 से 0.25, मीडियम कार्बन के अंदर 0.25 से 0.5, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाई कार्बन स्टील के अंदर, तो हाई कार्बन स्टील के अंदर होती है दोस्तों 0.5 से 0.1.5 तक, मीन्स 0.5 से 1.5। तो दोस्तों आपको ये तीनों वैल्यू याद रखनी है और अच्छे से याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिना। मतलब दोस्तों ओर को हम बोलते हैं अयस्क, एल्यूमिना हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, एल्यूमिना हमें मिलता है कहाँ से, बॉक्साइट से। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों एल्यूमिना का ओर क्या है, बॉक्साइट। तो दोस्तों ये दिख रहा है आपको हेमेटाइट और मेलेटाइट और लेमोनाइट, ये दोस्तों आयरन के ओर है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल एनेबल इट बाय विच इट कैन ड्रॉन आउट इनटू वायर्स। दोस्तों मतलब प्रॉपर्टी बतानी है आपको मटेरियल की, जिसकी हेल्प से उसके वायर बनाए जा सके, तो वो दोस्तों कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, डक्टिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, डक्टिलिटी।
डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन कन्वर्ट इन टू इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम वायर की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें इंसुलेटर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे माइका जो है दोस्तों क्या होगा, इंसुलेटर होगा। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं पता लगता है तो आप क्वेश्चन को के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके देख लिया कीजिए, वहां से भी आपको पता लग जाएगा, जरूरी नहीं है आपको सही आंसर पता हो। देखिए दोस्तों, कॉपर जो है ये वो क्या है आपका, कंडक्टर होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम के भी वायर आते हैं दोस्तों, ये भी कंडक्टर होता है, और आपका सिल्वर भी क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो अगर आपको नहीं पता है कि माइका इसका सही आंसर है तो भी यही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन बचता है। तो आप इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से भी दोस्तों सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों। 50 नंबर 52 कह रहा है, विच रबर इज यूज्ड एज इंसुलेटर ऑफ पावर केबल्स एंड कंट्रोल वायर्स। तो दोस्तों पावर केबल में कौन सा आपका जो रबड़ है वो यूज होती है दोस्तों, वो आपकी होती है सिलिकॉन वाली रबड़। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है, तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए, सिलिकॉन इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच अलॉय स्टील इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए दोस्तों कौन सी स्टील यूज होती है, तो वो होती है दोस्तों कोबाल्ट स्टील। तो आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा सही आंसर क्या है, कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील आपकी स्थायी चुंबक बनाने के लिए दोस्तों यूज होती है। फ्रेंड्स जो चुंबक हम बनाते हैं वो दो तरह की बनाते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए दोस्तों कौन सा यूज होता है, कोबाल्ट स्टील। दोस्तों आपको कैसे याद रखना पड़ेगा दोस्तों, देखिए कोबाल्ट स्टील को हम शॉर्ट में क्या पढ़ सकते हैं, CS। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से समझिए CS एक कंप्यूटर की ब्रांच होती है, तो दोस्तों ये एवरग्रीन ब्रांच है, मतलब इसका प्लेसमेंट अच्छा रहता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इससे स्थायी जॉब मिलती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो स्थायी जॉब मतलब स्थायी चुंबक हमारी किससे बन रही है, कोबाल्ट स्टील से। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इंसुलेटर इज यूज्ड इन ओवर हेड लाइन्स। दोस्तों जो ओवर हेड लाइन्स होती हैं तो वो आपके यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि उसके अंदर हमारा कौन सा मटेरियल जो है वो यूज हो रहा है, तो आपको देखना है दोस्तों और इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इसका आंसर होगा दोस्तों पोर्सिलीन। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर है, आपको क्वेश्चन का आंसर याद रखना है दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है दोस्तों, विच इंसुलेटिंग मटीरियल इज यूज फॉर मेकिंग स्विचेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेकेलाइट। बेकेलाइट का यूज हम करते हैं दोस्तों स्विच बनाने के लिए। आपको याद कैसे रहेगा दोस्तों, देखिए इस बेकेलाइट के पीछे लाइट लिखा हुआ है, तो आपको याद रहेगा कि बेकेलाइट का हम यूज करते हैं लाइट के इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए या फिर लाइट के स्विचेस बनाने के लिए। दोस्तों ये ट्रिक आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आपको अपना आंसर याद रहे, कभी आप कंफ्यूज ना हो, फ्यूचर में जब भी आप इस ट्रिक को याद करेंगे तो आपको आपका आंसर तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दोस्तों ट्रिक आपको इसीलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर दैट शुड ब्रेक डाउन और पंक्चर एन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज। मतलब दोस्तों जैसे आपके घरों में फ्यूज लगा रहता है, ये उसकी पूछ रहा है कि उस वाले मटेरियल को उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में एक बार देख लीजिए, प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, विच अलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट मतलब दोस्तों महंगे जो आपके हैं उसकी बात कर रहा है ये। किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो आप इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन बी है मैगनीज स्टील, ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी है इसका इनवार स्टील। और दोस्तों यही बिल्कुल सही स्टील होगा, ये दोस्तों बहुत ही प्रिसाइज होता है, प्रीसियस होता है, ये महंगा होता है, कीमती होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल एंड कोल्ड चिजल। ठीक है फ्रेंड्स,
ये कह रहा है कि छेनी को बनाने के लिए दोस्तों और रेती को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो दोस्तों हम करते हैं उच्च कार्बन स्टील का या फिर हाई कार्बन स्टील का। दोस्तों दोस्तों आज हमने जो क्वेश्चन किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। मेटेरियल साइंस इसी चैप्टर को मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, धातुएं के नाम से भी हम इसी चैप्टर को जानते हैं दोस्तों। तो आपकी ये अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से हो सकता है दोस्तों। मैं इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करता हूँ। आगे मिलेंगे हम दोस्तों नई वीडियो के साथ नई प्रॉब्लम्स के साथ। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा दोस्तों, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सकें दोस्तों। दोस्तों मैंने पहली 33 वीडियो जो है कंप्यूटर पे बना उस पर सिस्टम बनाई है दोस्तों, मैंने व्हाइट बोर्ड पे। बाकी वीडियो मैंने 3-4 वीडियो इस पे बना चुका हूँ कंप्यूटर की हेल्प से। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा समझ में आ रहा है दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाए या जो सिस्टम पे पढ़ाया जा रहा है इस तरह से जो वीडियो आपके सामने चल रही है, ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो आप सजेस्ट करेंगे दोस्तों हम उसी तरह से मैं नई वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।